मध्य प्रदेश में सीट के लिए होगी फिर से वोटिंग, आज मतदान केंद्र रवाना होंगे कर्मचारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भिंड जिले के अटैर विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 71 किशुपुरा नंबर 3 में पुनर्मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मतदान करने वाले मतदाताओं के बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में अमित स्याही लगाई जाएगी। सुबह 7 बजे शुरू होगा मतदान। 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। मॉकपोल सुबह 5:30 बजे प्रारंभ होगा। इसके लिए मतदान दल सामग्री सहित 20 नवंबर को रवाना होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने भिंड जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पुनर्मतदान कराने के पूर्व मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। पुनर्मतदान की सूचना समस्त अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को दी जाएगी एवं मतदान केंद्र के क्षेत्र में डोंडी यानी मुनादी पिटवाकर व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जाएगा। भाजपा ने शिकायत कर की थी पुनर्मतदान की मांग। भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भिंड जिले की अटैर विधानसभा क्षेत्र के 16 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराए जाने की मांग की थी। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है। कई मतदाताओं को हतोत्साहित कर मत प्रयोग से वंचित रखा गया। पार्टी ने अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 11-12 खड़ित, 17-41 निवारी, 48 बड़पुरा, 49 बड़पुरी, 55-67, 69-70-71 किशुपुरा, 103 मणिपुरा, 169 पीथमपुरा, 170 171 211 बीसलपुरा में पदस्थ पीठासीन अधिकारियों व उनके दल द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिली भगत कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने केवल एक मतदान केंद्र केशुपुरा में पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।